नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। गो फर्स्ट ने 9 मई तक लिए उड़ानों को किया रद्द, DGCA ने दिया रिफंड प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। जयशंकर के साथ हुई SCO महासचिव की बैठक, गोवा पहुंचे पाकिस्तान और चीनी विदेश मंत्री। वहीं जी मेंस 2023 में लाखों छात्रों को हाईकोर्ट का झटका, IIT NIT के लिए 75% बोर्ड पात्रता जरूरी। मणिपुर में हिंसा, भाजपा पर भड़की कांग्रेस, खड़गे बोले नफरत की राजनीति, सत्ता का लालच जिम्मेदार। हिमाचल में लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से लगेगा महंगी बिजली का झटका। बड़ी खबर, माफिया आदि के इलाके के मतदान केंद्रों पर नहीं दिखे भाजपा के बस्ते, वोटिंग भी धीमी। यूपी के गजरोला में बसपा प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने लाठी भांजकर खदेड़ा, जमकर पथराव। बजरंग दल को लेकर विवाद, कांग्रेस कह सकती है हिंदुओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री का सोनिया, राहुल पर वार। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में दी 4.25 लाख नौकरियां, $40 अरब का किया निवेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 अधिकारी घायल, उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती। वहीं UN में सुरक्षा परिषद की व्यवस्था पर भारत ने फिर उठाए सवाल, कहा ऐसे दुनिया में शांति नहीं आ सकती। जंतर मंतर पर झड़प के बाद कांग्रेस ने दिया बेटियों का साथ, कहा डरने की जरूरत नहीं। गो फर्स्ट ने NCLT से मांगी राहत, DGCA की कार्रवाई रोकने के लिए निर्देश देने की अपील। साउथ कोरिया में निर्मला सीतारमण बोली क्षेत्रीय विकास के लिए बदलाव के रुख वाले मजबूत ADB की जरूरत। पूर्व राष्ट्रपति ने दी जेलेंस्की को मारने की धमकी, क्रेमलिन पर हमले के बाद बड़ा कदम उठा सकता है रूस। दिल्ली NCR में मई में कोहरा, बारिश ने 3 दिन में 30 दिन का कोटा किया पूरा, आज भी हो सकती है बरसात। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में ड्राइवर की जमकर तारीफ की, बोले वे मेरे अभिभावक जैसा। पहलवानों के धरने पर पहलवान बोले सही से जांच नहीं कर रही पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत जाने का दिया निर्देश। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की CM बीरेन सिंह से बात, हिंसा के बीच सेना की तैनाती। महाराष्ट्र में पवार अपने फैसले पर अड़े, नए अध्यक्ष पर मंथन शुरू, संकट में महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व। मणिपुर हिंसा के बाद ट्विटर पर मणिपुर की तस्वीरें शेयर कर मैरी कॉम ने मांगी केंद्र से मदद, बोली मेरा राज्य जल रहा। स्वाति मालीवाल ने पहलवानों से की मुलाकात, CM केजरीवाल ने घटना पर जताया खेद, आपने बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में करेंगे 36.6 किलोमीटर का रोड शो, 17 विधानसभा को करेगा कवर। कल बारिश के भेंट चढ़ा लखनऊ चेन्नई का मैच, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट, अंकतालिका में राजस्थान को नुकसान। IPL में धोनी का यह आखिरी IPL नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने संन्यास को लेकर दिया बड़ा बयान। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले प्रवासी मजदूरों पर दिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऊंची पेंशन के लिए नियोक्ता के खाते से होगा भुगतान, श्रम मंत्रालय ने जारी किया बयान। बड़ी खबर, जनप्रतिनिधि कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। असम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूछा जब सब कुछ ठीक चल रहा तो हमारे लोकतंत्र की आलोचना क्यों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओडिशा यात्रा, आज से सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान का किया दौरा।
वहीं वृत्त चित्र विवाद में मानहानि की शिकायत पर बीबीसी को समन, भाजपा को बदनाम करने का आरोप। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे को थमाया नोटिस, बीजेपी विधायक से भी मांगा जवाब। मेहदी खुशखबर, लाइलाज नहीं रहा अब कैंसर, आरंभिक अवस्थाओं का उपचार अब संभव। वेब सीरीज में ई सिगरेट के बढ़ावे से किशोरों में बढ़ा नशा, टैंक थिंक चेंज फोरम के अध्ययन में खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, कोर्ट समलैंगिकों की इच्छा से नहीं चलती, हम देखते हैं कि संविधान क्या कहता है। भारत मिस्र ने विदेश कार्यालय परामर्श के बारे में दौर का किया आयोजन, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। वहीं नई दिल्ली और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निविदाएं रद्द, जल्द जारी होगा नया टेंडर। असम में अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई, बंद होंगे 300 और मदरसे। बारिश के बीच बंगाल की खाड़ी से उठ सकता है भीषण मोचा चक्रवात, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जुलाई में लौटेगा अलनीनो, वैश्विक तापमान में होगी रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति बोले, पूर्वोत्तर में दिखने लगा एक्ट ईस्ट नीति का सकारात्मक प्रभाव। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा, 8 जिलों में कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले 6 लोग हिरासत में, पीथापुरम और समरलकोटा के बीच हुई थी घटना। एसईओ समिट में रूसी और मंदारिन भाषा के एकाधिकार के खिलाफ भारत, अंग्रेजी के चलन पर दिया जोर। CAPF व NDRF के जवानों को मोटा अनाज आधारित भोजन परोसा जाएगा, गृह मंत्रालय का निर्णय। बड़ी खबर, केदारनाथ में बर्फबारी से मिली राहत, मौसम खुलते ही धाम पहुंचे तीर्थयात्री, सोनप्रयाग में उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का खतरनाक प्लान, G20 बैठक से पहले स्टैंड ऑफ फायर की साजिश, निशाने पर कश्मीरी पंडित। कर्नाटक में फिर किंग मेकर बन सकते हैं कुमार स्वामी, भाजपा कांग्रेस के 28 नेता थाम चुके JDS का हाथ। पूर्वोत्तर में विकास की धुरी बना प्रोजेक्ट ब्लूम, 7 साल में स्टार्टअप 10 से बढ़कर हुए 1163। केदारनाथ में मौसम हुआ साफ, हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बड़ी खबर, नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का कब्जा, 20 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत किया हासिल। अमृतपाल सिंह से मिलने डिब्रूगढ़ जेल पहुंची किरणदीप कौर, फरारी के बाद पहली मुलाकात। वहीं बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं बनाने का आदेश। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।